चैनल शुमास लाइफस्टाइल एंड ब्लॉग्स और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे किचन का फुल टूर वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये है हमारा किचन यू शेप का ओपन किचन और इसका डिज़ाइन हमने इंटीरियर डिज़ाइनर से करवाया है। बिल्डर ने किचन के लिए प्रोवाइड किया था 10x9 एरिया और इसी के साथ डाइनिंग एरिया 14x11.5। क्योंकि डाइनिंग एरिया किचन से बड़ा था तो हमने डाइनिंग एरिया का आधा हिस्सा किचन में जोड़कर किचन को बड़ा बना लिया है और वैसे भी ओपन किचन हमेशा बड़ा ही दिखता है। लिविंग रूम से अंदर आते ही लेफ्ट साइड में है हमारा किचन और शुरू होता है यहाँ से। एक बार काउंटर बनाया गया था यहाँ पे, तो क्योंकि हम बंगाली है तो फिश मीट ये सब खाते ही है और इसीलिए किचन में पूजा मंदिर का काम करना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बाद में यहाँ पे इस बार काउंटर को बना लिया है पूजा मंदिर के काम करने के लिए। मतलब कि पूजा के जो बर्तन होते हैं वो सब वॉश करती हूँ यहाँ पे। और इसी के साथ में है मेरा छोटा सा क्रॉकरी यूनिट। तो क्रॉकरी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो ये है मेरा छोटा सा क्रॉकरी यूनिट। इस किचन को 6 साल हो गया है यूज़ कर रही हूँ, फिर भी मुझे हमेशा नया जैसा ही लगता है क्योंकि मैं किचन में हमेशा नए नए आइडियाज़ यूज़ करके ऑर्गेनाइज करती रहती हूँ। क्रॉकरी यूनिट के नीचे भी एक कैबिनेट दिया गया है जिसमें मैंने किचन में यूज़ होने वाले बकेट रखा है। जब पानी का प्रॉब्लम होता है इन बकेट्स में पानी स्टोर करके रखती हूँ। क्रॉकरी यूनिट के साथ ही ये है ब्रेकफास्ट काउंटर जिसे मैं कभी कभी टी कॉफ़ी स्टेशन भी बना लेती हूँ। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 सिंपल सा प्लांट्स रखा है और इसके ठीक ऊपर ये है हैंगिंग डेकोरेटिव लाइट्स। इसे यहाँ पे लगाने का आइडिया मेरा ही था। ये लाइट्स मैंने ऑनलाइन परचेस की थी और बाद में इलेक्ट्रिशियन बुला के ये लाइट्स मैंने यहाँ पर लगवाया है। तो यहाँ से शुरू होता है मेरा किचन काउंटर टॉप। यहाँ पे मैंने रखा है एक कटलरी होल्डर और मेरा मिक्सर ग्राइंडर और इसके ठीक ऊपर में एक शोपीस हैंग करके रखा है जिसमें कुकिंग लिखा हुआ है और ये मैंने सुपर 99 से लिया था। और इसमें हैंग करने के लिए भी है, तो मैंने यहाँ पे मेरा जो पिलर और बॉटल ओपनर है वो रखा है। और इसके ऊपर 2 कैबिनेट है, एक के हैंडल में मैंने 1 बंच ऑफ ग्रेप्स रखा है जो कि ट्रे में सर्व करके दूँ तो बिल्कुल रियल लगता है। पहले मैं इसे अपने डाइनिंग टेबल पे ट्रे में ही रखा करती थी, तो कुछ लोगों ने इसे खाने की भी कोशिश की है, उसके बाद मैंने यहाँ पे हैंग करके रख दिया है इसे। और ये जो कैबिनेट है इसमें मैंने मेरे जितने भी ग्लासेस के क्रोकरीज है वो रखा है और इसके साथ में जो कैबिनेट है उसमें भी मैंने क्रोकरीज ही रखा है, कुछ कप्स वगैरह रखा है। तो ये मेरे जो क्रॉकरी यूनिट ऑर्गेनाइजेशन वीडियो है उसमें मैंने डिटेल्स में दिखाया है, आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। काउंटर टॉप के नीचे एक कैबिनेट दिया गया है जिसके अंदर मैंने रखा है आलू प्याज और लहसुन और साथ में एक राइस बैग भी रखा है जिसके अंदर मैं रखती हूँ ग्रोसरीज़ के साथ जो पॉलीथीन बैग आते हैं वो सारे, और बाद में इन बैग्स को मैं अपने डस्टबिन में यूज़ कर लेती हूँ। और इसी के बगल में 3 ड्रायर है। सबसे ऊपर वाले ड्रायर में मैंने रखा है मेरी फेवरेट नॉन स्टिक कुकवेयर और मैनुअल चॉपर, लेमन जूसर, देन 2 वुडन ऑर्गेनाइजर जिसमें बॉटल क्लीन करने वाला ब्रश, टंग, टी स्ट्रेनर और एक वुडन मिक्सिंग बाउल, ये सब रखा है। नेक्स्ट ड्रायर में मैंने रखा है 2 प्लास्टिक के बॉक्सेस जिसमें मैंने प्लास्टिक के और कुछ वुडन स्पून रखा है और कुछ प्लास्टिक के ही छोटे मोटे सामान रखा है। इसके साथ है 2 स्टेनलेस स्टील के भगोने और कुछ प्लास्टिक के कोलंडर स्ट्रेनर और एक पनीर मेकर स्टेनलेस स्टील का, देन एक वेजिटेबल चॉपर जो कि मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ और कुछ स्टेनलेस स्टील के प्लेट्स जिसमें मैं फ़िश सर्व करती हूँ जब मेहमान आते हैं, और एक स्टेनलेस स्टील का कोलेंडर स्ट्रेनर और कटलरी होल्डर। सबसे नीचे वाले ड्रायर में मैंने रखा है एक्स्ट्रा कढ़ाई, एक हार्ड एनोडाइज्ड वाला कढ़ाई, फिर ट्राईप्लाई कढ़ाई, एक ट्राईप्लाई का फ्राई पैन, फिर इसके साथ मैंने रखा है एक
राइस कुकर जो कि ख़राब हो गया है, इसका बाउल मैंने रख लिया है, और इसके साथ एक स्टेनलेस स्टील का सॉस पैन भी है, और ये एक कास्ट आयरन का कढ़ाई रखा है। देन इसी के साथ है मेरा किचन सिंक, ग्रेनाइट का है। ये दो सिंक है, एक बड़ा और एक छोटा। तो इस सिंक को फिट करने में ना प्लम्बर ने यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, जिसके कारण यहाँ पे कुछ चेंजेस किया गया है। जैसा कि ये जो नल है, इसे दोनों सिंक के बीच में लगाना था, तो एक ही नल से दोनों सिंक का काम हो जाता, लेकिन प्लम्बर की गलती के वजह से हमें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नल लगाना पड़ा। और सिंक में ही इनबिल्ट लिक्विड सोप डिस्पेंसर और सोप होल्डर ये सब भी था, लेकिन सिंक को फिट करते वक्त ये सब उन्हें मिल नहीं रहा था, बाद में भी नहीं मिला। फिर हमने मेटल शीट बनाकर इस जगह को बंद कर दिया और अलग से सोप होल्डर और डिस्पेंसर लेना पड़ा। सिंक के ऊपर है मेरा वाटर प्यूरीफायर, एलजी का है ये, और इस प्यूरीफायर के ऊपर मैंने एक मनी प्लांट रखा है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो मेरा जो वाटर प्यूरीफायर है काफ़ी अच्छा है, अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया, 5 साल से यूज़ कर रही हूँ। जब भी क्लीन करना होता है एलजी सर्विस सेंटर में कॉल कर देती हूँ और उसी दिन वो लोग आके क्लीन करके जाते हैं, सर्विस भी काफ़ी अच्छा देता है। और अंडर सिंक जो एरिया है, जो कैबिनेट है सिंक के नीचे, उस कैबिनेट में मैंने रखा है क्लीनिंग के सामान और दो प्लास्टिक के बॉक्स रखे हैं, जिसमें एक में मैंने स्कॉच ब्राइट, स्टील वूल ये सब रखा है क्लीन करने के लिए, और एक में शॉपिंग बैग, फिर किचन टॉवल्स ये सब रखा है। कैबिनेट के जो डोर है, इसमें एक डस्टबिन रखने के लिए स्पेस है, जिसमें मैंने एक बकेट रखा है, और बकेट के अंदर मैंने रखा है, इसे बंगाली में कहते हैं बोठीदा, जिससे कि सब्जी काटा जाता है, और फिर एक नारियल काटने के लिए पता नहीं इसे क्या कहते हैं, और एक वाइपर रखा है जिसे मैं काउंटर टॉप को क्लीन करती हूँ। सिंक के साइड में छोटा सा एक डस्टबिन रखा है, जिससे कि मेरा जो किचन सिंक है वो हमेशा क्लीन रहता है। और इसके ऊपर वाटर प्यूरीफायर के साइड में एक छोटा सा गीज़र लगा हुआ है, जिसमें पानी गर्म करके किचन टॉवल्स, चिमनी क्लीन करने के लिए यूज़ करती हूँ। सिंक के अंदर ही गर्म पानी जमा करके ये सब मैं वॉश कर लेती हूँ। और इसके हैंडल में एक में मैंने जो क्लीनिंग के लिक्विड जो है उसे रखा है, और एक में काउंटर टॉप क्लीन करने के लिए जो टॉवल्स है वो रखा है। अब तक आपने मेरे किचन का नॉर्थ साइड देखा है, अब आते हैं ईस्ट साइड में। तो ईस्ट साइड के ऊपर में है ये कैबिनेट, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड में है ये कैबिनेट, जिसके ऊपर के शेल्फ में मैंने कुछ डिनर सेट्स रखा है, और नीचे मेरा सेरामिक और ग्लास के जो स्टोरेज बाउल्स एंड कंटेनर है वो सब रखा है। इस कैबिनेट के नीचे मैंने एक वुडन शेल्फ रखा है, और ये एक बोरोसिल का ग्लास का कैटल था जो कि टूट गया था, इसको मैंने DIY करके फ्लावर वास टाइप का बना लिया है। और इसके साइड में दो कंटेनर रखा है, जिसमें एक में मैंने रखा है ग्रीन टी और एक में रखा है कॉफ़ी पाउच। और इसके नीचे के जो शेल्फ है उसमें मैंने रखा है टी, शुगर एंड कॉफ़ी का जार। और इस जार के बारे में ना मुझे कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये मैंने कहाँ से लिया है इसका लिंक भेजने के लिए, तो उस टाइम पे मुझे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि ये मैंने लिया था सोहम एम्फोरिया स्टोर से, जो कि आसाम में है, और ये स्टोर आसाम से बाहर कहीं है भी या नहीं मुझे पता नहीं है, और इसका लिंक भी मुझे अभी तक ऑनलाइन पे नहीं मिला है। देन इसी के साइड में मैंने रखा है मेरा इलेक्ट्रिक कैटल, जिसका केबल बहुत ही छोटा है, और इसीलिए इसे हाइट देने के लिए मैंने एक वुडन चौकी रखा है, और चौकी के ऊपर एक वुडन ट्रे, ट्रे में एक ड्रायर भी है जिसके अंदर मैं रखती हूँ कुछ स्पून, और ये है किचन टॉवल्स, फिर इमाम दस्ता और गैस लाइटर, ये सब मैं यहीं पे रखती हूँ। और ये जो वुडन चौकी है इसको भी मैंने DIY किया हुआ है, इसका जो फिनिशिंग है वो अच्छा नहीं था, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे पास कुछ वॉलपेपर पड़े हुए थे उसी को मैंने यहाँ पे लगा लिया है फेविकॉल के मदद से।
अब आते हैं काउंटर टॉप के नीचे जो कॉर्नर कैबिनेट है इसमें, तो इसमें दो ट्रे है जिसे शायद बटरफ्लाई ट्रे कहते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसके वजह से मैं कॉर्नर के एंड तक यूज़ कर पाती हूँ और पीछे का सामान निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो इसके ऊपर में जो ट्रे है उसमें मैंने रखा है 6-in-1 मल्टीफंक्शनल हैंड ब्लेंडर और एक ब्रेड टोस्टर, और इसके नीचे जो ट्रे है उसमें मैंने रखा है एक बड़ा सा हॉट केस जो कि मेहमान आने पर ही मैं यूज़ करती हूँ, और एक सॉस पैन रखा है और सॉस पैन के नीचे एक, इसे बेंगुली में कहते हैं डेक्ची, जो कि जिसमें कि राइस बनाया जाता है। तो चाहे हम कितना भी मॉडर्न क्यों ना बन जाए, बेंगुली किचन में बोटीदा और ये डेक्ची किचन का शान बढ़ा देता है, और मुझे भी गर्व है कि मेरे किचन में ये दोनों ही है। कॉर्नर कैबिनेट के साइड में ही है मेरा गैस सिलेंडर, और इसी के ऊपर काउंटर टॉप में है मेरा गैस हॉप टॉप जो कि प्रेस्टिज का है, 3 बर्नर वाला, और इसे मेरे हस्बैंड ने काउंटर टॉप में फिट करने नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगता है कि इसे फिट करने से काउंटर टॉप को क्लीन करना मुश्किल होगा थोड़ा सा। और इस हॉप टॉप के ऊपर में है मेरा चिमनी जो कि फेवर का है। हॉप टॉप के नीचे 3 ड्रायर है जिसमें सबसे ऊपर वाले ड्रायर है कटलरी के लिए, और ये जो ट्रे है इसे निकाल के वॉश भी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने कुछ स्पून वगैरह रखा है, टंग और एल्युमिनियम फॉयल, बटर पेपर जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ वो सब रखा है, और मिडिल के ड्रायर में मैंने रखा है जो डिनर प्लेट्स मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ, और बाउल्स ये सब मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ ये सब रखा है, और सबसे नीचे वाले जो ड्रायर है उसमें मैंने रखा है नॉनस्टिक और हार्ड एनोडाइज्ड वाले बर्तन। के साथ में है मेरा बॉटल पुल आउट जिसमें 3 शेल्फ है। ऊपर के शेल्फ में मैंने मेरा ऑयल बॉटल रखा है, और सेकंड शेल्फ में घी, और नीचे के शेल्फ में कुछ एक्स्ट्रा कप्स और एक तांबे का जग भी है। ये सब मैं बहुत ही कम यूज़ करती हूँ। बॉटल पुल आउट के साथ ही फिर से एक कॉर्नर कैबिनेट है जो कि मैं बाद में दिखाती हूँ। अब आते हैं काउंटर टॉप के ऊपर, तो इस कॉर्नर में है एक ग्लास का विंडो, और साथ में मैंने रखा है एक मेटल का कॉर्नर रैक जिसमें एक मनी प्लांट रखा है और कुछ मसाले। अब आते हैं इस साइड में, यहाँ पे मेरा चॉपिंग बोर्ड और एक वुडन ऑर्गेनाइज़र जिसके ऊपर मेरा नाइफ स्टैंड और एक फेक प्लांट रखा है, और ऑर्गेनाइज़र में 3 छोटे-छोटे सेरामिक के ड्रायर दिया गया है जिसमें मैंने छोटे मोटे कुछ निकनैक सामान रखा है। और ये है मेरा सेकेंड कॉर्नर कैबिनेट जिसके अंदर 2 स्टेनलेस स्टील के ट्रे है जो कि रोटेबल है, और इसकी वजह से पीछे का जो सामान है उसे यूज़ करना इजी हो जाता है। और यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वॉशिंग पाउडर रखा है, सरसों, तेजपत्ता, ड्राई चिल्ली, इस टाइप के मसाले रखा है। देन अब आते हैं इस साइड में, यहाँ पर भी 3 ड्रायर दिया गया है जिसमें सबसे ऊपर वाले ड्रायर में मैंने कुछ स्पैटुला और बड़े साइज़ के चम्मच रखा है जो कि सर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है, और कुछ कप्स रखा है जो मैं डेली बेसिस पे यूज़ करती हूँ, और देन मिडिल के जो ड्रायर है उसमें मैंने रखा है मेरे बेटे का टिफ़िन बॉक्स, कुछ स्टेनलेस स्टील के बर्तन, और ये जो ऑर्गेनाइज़र है ये है नाइफ ऑर्गेनाइज़र जिसमें मैंने वुडन और सिलिकॉन के जो स्पैटुला है वो सब रखा है, और इसके नीचे सबसे नीचे जो ड्रायर है उसमें मैंने जितने भी लीड्स है और कढ़ाई और सॉसपैन के जो लीड्स है वो रखा है, और साथ में रखा है कुछ ट्रे। देन इसी के साइड में फिर से 3 ड्रायर है, सबसे ऊपर वाले ड्रायर में चाय बनाने के लिए सॉस पैन, चकला बेलन, तवा और कुछ स्टेनलेस स्टील के बाउल्स रखा है जो कि ब्रेकफास्ट बनाने में काम आते हैं, और फिर मिडिल के ड्रायर में सारे क्वार्टर प्लेट्स जो रेगुलर यूज़ करती हूँ और कुछ प्लास्टिक लीड रखा है, देन सबसे नीचे के ड्रायर में कुछ बड़े साइज़ के ट्रे, डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट्स, बाउल्स और कुछ एक्स्ट्रा गार्बेज बैग रखा है। और ये है मेरा काउंटर टॉप का लास्ट कैबिनेट, इसे मैं एज ए पैनेट्री यूज़ करती हूँ। जितने भी मेरे एक्स्ट्रा मसाले, बिस्किट्स, दूध, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो यहीं पे रखती हूँ अलग अलग कंटेनर में, और ये एक प्लास्टिक का झाड़ू है जिसे मैं कैबिनेट क्लीनिंग में यूज़ करती हूँ।
ये है उसी कैबिनेट के ऊपर जो काउंटर टॉप है वो, जहाँ पे एक मेटल शेल्फ में कुछ जार रखा है जिसमें मैंने नमक, इलायची, दालचीनी, घी, ड्राई चिली ये सब रखा है। और ये जो तीन जार है उसे मैंने एज ए शो पीस यहाँ पे यूज किया है। इस साइड में काउंटर टॉप के ऊपर दो ओपन शेल्व्स है। मुझे मेरे किचन को थोड़ा सा ब्राइट भी दिखाना था तो इसलिए मैंने नीचे के शेल्फ में कुछ येलो कलर के जार एंड बाउल डिस्प्ले करके रखा है, जिसमें मेरे कुछ ज़रूरत के सामान भी है और कुछ रेसिपी बुक्स भी रखा है। और ऊपर वाले शेल्फ में मेरे कुछ DIY किया हुआ डेकोरेटिव आइटम्स रखा है। ये कैविंटर्स के बॉटल है जिसके अंदर मैंने कुछ कलरफुल पेबल्स रखा है और कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स से इसे एज ए फ्लावर वास यूज़ किया है यहाँ पे। और पीछे के तरफ जो किचन क्वार्ट्स लिखा हुआ है ये भी मेरे पुराने फाइबर के प्लेट्स थे जिसमें मैंने कलर करके इस तरह से डेकोरेटिव आइटम की तरह इसे यहाँ पर यूज़ किया है। काउंटर टॉप के ख़त्म होते ही यहाँ पे है मेरा टॉल यूनिट जिसमें मैंने रखा है ब्रेकफास्ट और इवनिंग स्नैक्स के आइटम्स। टॉल यूनिट के साइड में ही ऊपर की तरफ एक कैबिनेट है जिसमें मैंने ज़्यादा सामान नहीं रखा है, कुछ ग्लास जार और आइसक्रीम और केक बनाने वाले मोल्स, एक टिफ़िन बॉक्स रखा हुआ है। और इसके नीचे है मेरा माइक्रोवेन, LG का 28 लीटर का है। माइक्रोवेन के ऊपर एक कैलेंडर रखा हुआ है, आज है 11th June, और एक पेन एंड कॉपी रखा हुआ है। जब भी कुछ सामान ख़त्म हो जाता है तो मैं यहाँ पर लिख के रखती हूँ। और फिर इसके नीचे फिर से एक कैबिनेट दिया गया है जिसमें दो शेल्फ है। ऊपर वाले शेल्फ में मैंने रखा है इडली मेकर जो कि मुझे माइक्रोवेन के साथ मिला था, फिर कुछ ऑर्गेनाइज़र, हॉट पॉट ये सब रखा है। और नीचे के शेल्फ में मैंने रखा है ये दो बकेट जो मैंने DIY किया था, राइस और कुछ एक्स्ट्रा सामान रखती हूँ। पीछे की तरफ कुछ राइस बैग भी है और सामने है मेरा जो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, महीने भर का ऑयल लाती हूँ, वो रिफाइन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। इस शेल्फ में व्हील लगा हुआ है जिससे कि हम बाहर की तरफ निकाल भी सकते हैं इस शेल्फ को। और इस कैबिनेट के डोर में मैंने दो एड्रेसिव हुक लगाया है जिसमें मैंने रखा है ग्लोव्स जो कि मैं माइक्रोवेन में यूज़ करती हूँ। देन इसके साथ ऊपर की तरफ है और एक कैबिनेट जिसके अंदर मैंने इंडक्शन ओवन रखा है जो कि मैं पूजा के काम में यूज़ करती हूँ, और कुछ पुराने बॉटल्स एंड जार रखा है। और इसके नीचे है मेरा फ्रिज, वर्लपूल का है ये, और फ्रिज भी मैं ओपन करके नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी मेरे चैनल पर शेयर किया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इसके बाद आते हैं मेरे पैनेट्री, और ये पैनेट्री ऑर्गेनाइजेशन वीडियो भी मेरे चैनल पे है, सारे वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और ये है किचन के फॉल्स सीलिंग का डिज़ाइन, लाइट की कोई भी कमी नहीं है। तो यही तक है मेरा किचन, और इस वीडियो के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है गाइस, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। और वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो मिलते हैं फिर और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।